आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस क्लास वी विल सी अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? सो एज द डेफिनेशन सेज दैट ए सिस्टम ऑफ एनी एम इंटू एन नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं रोज में या फिर कॉलम्स में। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करें कि अगर इसको हम लोग रोज में अलाइन कर सकते हैं तो रोज में अरेंज कर लिए, और इसको अगर हम कॉलम में अरेंज कर सकते हैं तो इसको हम लोग कॉलम में अरेंज कर लिए। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स में अगर हम जनरल डेफिनेशन ले लें तो एम रोज होते हैं और एन कॉलम्स होते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर आई इज फॉर रो एंड जे इज फॉर कॉलम। द वैल्यू ऑफ आई इज फ्रॉम 1 to m एंड वैल्यू ऑफ जे इज फ्रॉम 1 to n। नाउ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। वी कैन राइट इट एज a11, a12, a13, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। इट इज फर्स्ट रो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? हियर रो इज 1 बट कॉलम इज इंक्रीजिंग एंड कॉलम्स वैल्यू इज जे इज इक्वल टू 1 to n, सो इट इज 1n। सिमिलरली दिस इज 2 1, a22, a23, डॉट 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 a2n, अगेन a31, a32, a33, डॉट 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 a3n। इसी तरह से हम लोग बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हैं। तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, रो, ये कॉलम हमारा जा रहा है 1 2 3 करते हुए, तो फर्स्ट हमारा ये रो है। हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो का वैल्यू जो है 1 से लेकर m तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा m1, m2, m3, डॉट 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 amn। सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जनरल फॉर्म में m इंटू n रो का। इस तरह से हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में। ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ये नोटेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में ये अलग अलग नोटेशन है जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम इंटू एन, जहाँ पे एम जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, एन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ बेसिक्स हम लोग टाइप्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फिर एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक बुक्स का होगा हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड्स के जो ओपी अग्रवाल के बुक हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर होंगे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में उसको भी हम लोग इसमें मैट्रिक्स के सॉल्व डेफिनेशन करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट, रो मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि जिसमें एक ही रो होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है लेकिन रो जो होगा वो एक ही होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, दैट इज
आई जे एम इंटू एन इज ए रो मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। हियर ऑल्सो वी कैन राइट इट एज एग्जाम्पल में हम लोग ले लें रो मैट्रिक्स, मतलब जिसमें एक ही रो हो, 1 2 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है और तीन कॉलम है, 1 2 3 तीन कॉलम है, दिस इज 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 का ये एक रो मैट्रिक्स है। नंबर टू कॉलम मैट्रिक्स, सेम डिफिनेशन है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज ए आई जे एम इंटू एन इज ए कॉलम मैट्रिक्स इफ एन इज इक्वल टू वन। दिस कैन बी रिटन एज एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, सो दिस इज 1 2 3, ये एक मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। फर्स्ट हो गया रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड है हमारा हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, ये सारे हमें डिफिनेशंस हमें को याद रखने होंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हमारे डिस्कस में आते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी ये हमारे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सो व्हाट इज हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एम इज लेस देन एन। ओके एग्जाम्पल लें, हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम होगा कॉलम ज्यादा होगा, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था पहला ही 1 2 3, यहां पे रो कितना है, रो है मेरा 1, कॉलम है 3, तो एक तरह से में देखने में भी लग रहा है कि अगर हम फिजिक्स देखें तो ये एक हॉराइजॉन्टल शो कर रहा है, हॉराइजॉन्टल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, सो इट इज एन हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉराइजॉन्टल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है क्योंकि ये हॉराइजॉन्टल मेरा इस तरह से होता है एक्स एक्सिस में, वर्टिकल जो अगर है हमारा जो है वो वाई एक्सिस में होता है। नेक्स्ट नंबर फोर इज वर्टिकल मैट्रिक्स, सेम डिफिनेशन जस्ट इन द ऑपोजिट, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एम इज ग्रेटर देन एन। फिर वही हमारा एग्जाम्पल लें 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, तो ये एक देखें हम लोग एक वर्टिकल लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है, सो दिस इज एन डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये हम लोगों ने चार मैट्रिक्स देखा, फर्स्ट हम लोगों ने देखा रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, देन हम लोगों ने देखा हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, नेक्स्ट देखा वर्टिकल मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबके नोटेशन को भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा एक एक करके। अब सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग आगे आते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में हमारे सॉल्व में पूछे जाते हैं कि फलना मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना, उसे सॉल्व करना, तो वे प्रॉपर्टीज हमको याद रखने होंगे। चार हो गए, फिफ्थ नंबर में हमारा है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसे जीरो से भी कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं,
ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लें, ए इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, ये एक 3x3 का जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से अगर हम 2x2 के फॉर्म में लें, ए इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, ये हमारा 2x2 का नल मैट्रिक्स है। याद रखें ये सारे जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा हो गया फिफ्थ नंबर, दैट इज नल और जीरो मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। नेक्स्ट नंबर सिक्स, सिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है, स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी वही सेम चीज है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, ए आई जे को अगर हम लोग लिखें कि आई इज इक्वल टू जे है, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए आई आई से, या फिर ए जे जे से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आई इज हियर आई इज इक्वल टू जे, रो जो है कॉलम के बराबर है, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो सिंपल एग्जाम्पल है कि ए इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। लेकिन अगर हम लिखें 1, 2, 3, 4, 1, 1, इस तरह से अगर एक मैट्रिक्स बनाए बी, तो ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रखना है ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे, अदर वो 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकता है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा छूट गया है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स शुरू में जो देखा था, एक फॉर्म हम लोगों ने लिया था a11, a12, a13, a21, a22, a23, a2n, इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लिया था am1, am2, am3, amn। तो हम लोग जो देखेंगे कि ये जो एलिमेंट जिसमें i और मतलब i और j का वैल्यू सेम आ रहा है, इस तरह से जो डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कुछ बनाएं स्क्वायर बनाएं, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर जाता है, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स, जिसमें a11, a22 इस तरह से यहाँ पे अगर आता तो a33 आता, फिर a44 आता, ये सारे जो हैं दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमारे फिफ्थ नंबर तक हो गए हैं, अब सिक्स नंबर में आते हैं जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट से ही रिलेटेड है, दैट इज नंबर से हम लोगों ने सिक्स नंबर तक देख लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स तक। सेवन नंबर हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब याद रखना है कि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने डिफिनेशन स्टार्ट किया, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स,
सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन ऑल एलिमेंट्स इन इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल्स एक ही बात है, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो हों। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ये एम इंटू एन का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि ए स्क्वायर होगा दैट इज एम इज इक्वल टू एन, और नंबर टू ए आई जे का जो वैल्यू है जीरो होगा जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है। मतलब आई का वैल्यू जे के बराबर कब होता है, प्रिंसिपल डायगोनल में आई का वैल्यू जे के बराबर होता है, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। देख लें हम लोग एग्जाम्पल से, एक ए लेते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमको तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होगा, तो 5 6 7 0 0 0 0 0 0 सो इस प्रिंसिपल डायगोनल जो है सारे एलिमेंट जो है ये नॉन जीरो हैं, और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सारे जो हैं वो जीरो हैं। सो ए आई जे इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये सारे कंडीशन में 5 में 6 में यहाँ पे क्या होते हैं, a11 a22 a33, तो ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ आई इज इक्वल टू जे, जब आई का वैल्यू जे के बराबर होगा तब उस केस में ए आई जे का वैल्यू जीरो नहीं होगा। ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में एक और प्रॉपर्टी आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नंबर 8 स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमारे जो वैल्यूज थे सो सब अनइक्वल थे डायगोनल एलिमेंट्स में, तो सेम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स से हम लोग लिख सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल होंगे और इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो इमेज में भी वही कंडीशन है, ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्केलर मैट्रिक्स फॉर व्हाट, नंबर वन एम इज इक्वल टू एन दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दूसरा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो दैट इज जब आई का वैल्यू जीरो के जे के बराबर नहीं होगा, और नंबर थ्री ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा कुछ भी कॉन्स्टेंट इफ आई इज इक्वल टू जे। एग्जाम्पल ले लें, ए इज इक्वल टू 5 5 5, ये तीनों एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल के वो इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसी स्केलर मैट्रिक्स से आगे हम लोग बढ़ेंगे, नंबर 9 में जाएंगे, नंबर 9 इज यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम डिफिनेशन है, यहां पर भी ए आई जे एम इंटू एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमले याद रहने होंगे। नंबर टू ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ I is not equal to J, but सबसे important number 3, ए आई जे इसके पहले हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स में किए किए, यहाँ पे मेरा वैल्यू जो होगा वो 1 होगा if I is equal to J, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, तो ये I हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है 3 × 3 का आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये ऑर्डर इसका 3 है, इसको हम लोग I3 से भी डिनोट करते हैं।
आई थ्री डेट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिमिलरली अगर हम लोग ने आई टू लिखा तो व्हाट विल बी द आई टू, आई टू इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये है मेरा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अभी तक हमने 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिए, अब हम लोग आते हैं कुछ और अलग टाइप का मैट्रिक्स जो लास्ट हमारे डेफिनेशन में आएंगे। ये सबको अच्छे से हम लोग को नोट डाउन कर लेना होगा ताकि मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट से कुछ पहले नंबर 10, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, हम लोग इसको 10 और 11 के फॉर्म में ही लिखते हैं, 10 के ए और बी में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखने में इसका फॉर्म जो है एज ए ट्रायंगल होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ए मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स होंगे सारे जो होंगे वो जीरो होंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा इसका, m इज इक्वल टू n होगा, दूसरा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा इफ i इज ग्रेटर देन j। एग्जाम्पल ले लें, a इज इक्वल टू, पहले हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल लिख लें, 3 9 6। प्रिंसिपल डायगोनल के कह रहा है कि बिलो के एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे, कुछ भी लिख दें। तो देखें एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है, जीरो है। ये हमारा हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम होगा इसका जस्ट ऑपोजिट, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट Above the principal diagonal is zero। तो यहां पे हो जाएगा पहला m is equal to n, square matrix होगा, a i j is equal to zero होगा if i is less than j, मतलब number of row के number of column से कम हो तब वैल्यू में। तो ये भी अगर हम लोग लें इसको b मान लेते हैं, तो कोई भी example ले लें, पहले ट्रायंगल एलिमेंट्स को लिख लें। अब ये इसके जो वैल्यू होंगे यहाँ पे ये सारे जीरो होंगे, यहाँ 1 2 3 लिख। तो ये भी देखें एक तरह का ट्रायंगल बना जिसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो है वो जीरो है। इन विच एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, जीरो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नंबर 10, नंबर 11, इसको 10 कर सकते हैं और इसको 11 नंबर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। अब हम लोग एक देख लें ताकि एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के बुक्स में है चैप्टर नंबर 3 3.1 उसको सॉल्व करने में हम लोग ईजी हो, दैट इज कंपेयरेबल ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं या दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो नेक्स्ट वी हैव कंपेयरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस। कंपेयरेबल मैट्रिक्स एग्जैक्ट डिफिनेशन जो होगा, टू
मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल और कंपेयरेबल भी कह सकते हैं इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. पहला तो मतलब का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रो पहले वाले का, नंबर ऑफ रो दूसरे वाले का, ये सेम होना चाहिए. टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल और कंपेयरेबल, कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है एम इंटू एन, अभी हम लोगों ने कंपेरेबल के बारे में बात करा, इक्वल के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था. दूसरा मैट्रिक्स जो भी होगा वो भी एम इंटू एन का ही होगा, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ रो ए का इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो. फिर है इक्वल मैट्रिक्स, इसी में तो अगर हमें मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेट टू बी इक्वल, नंबर वन व्हेन इफ नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए का ऑर्डर बी के बराबर हो, जैसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों है दोनों सेम हो, और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी. दैट मीन्स अगर ए हम लोगों ने लिया है कुछ मैट्रिक्स कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड और एल, और बी लिया है एम एन ओ पी, तो ए और बी इक्वल होगा. अगर ए और बी इक्वल है देन उस केस में एक्स का वैल्यू एम के बराबर होगा, वाई का वैल्यू एन के बराबर होगा, जेड का वैल्यू ओ के बराबर होगा और एल का वैल्यू पी के बराबर होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स होंगे. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसलिए हम लोगों ने कर लिया. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे. बाकी जितने भी हम लोगों ने देखा इसको हम लोग रिवाइज कर लें, सारे इसको आइडियाज़ को क्लियर कर लें ताकि आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो.